आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, क्वेश्चन इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें एक मशीनरी का इनपुट दिया गया है जो कि नंबर्स और वर्ड्स का इंक्लूसिव है। ठीक है, ये जो नंबर्स है हमारे सारे टू डिजिट नंबर्स है और हमें यहाँ पर क्या गिवन है, इस इनपुट के आउटपुट स्टेप्स गिवन है, हमें इनको एनालाइज करना है और उस बेसिस पे इस क्वेश्चन को आंसर करना है। ओके, सो प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ पर ये जो अरेंजमेंट है ये किस हिसाब से किया जाता है, मेनली नंबर्स को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाता है और वर्ड्स को उनके अल्फाबेटिक ऑर्डर के हिसाब से। ठीक है, सो देखो यहाँ पर स्टेप वन में सबसे पहले यहाँ पर क्या ऐड हो गया, 72, जबकि यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है इनपुट हमारा 56 से, दैट मीन सबसे बड़ा नंबर हमारा सबसे आगे आ गया। ठीक है, बाकी का हमारा जो स्टेप है वो एज इट इज सेम है इनपुट जैसा। उसके बाद इस स्टेप में हमारे पास क्या आ गया, शाइन। तो देखो ये जो वर्ड्स है इनके इनिशियल लेटर्स को कंसिडर करते हैं, तो ये डी एफ एस ओ, अगर हम अल्फाबेटिक ऑर्डर के हिसाब से देखें तो यहाँ से इनको अरेंज करते हैं, तो ये हो गया ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, तो ये ऑर्डर हुआ। तो एस हमारा सबसे लास्ट में आया, तो यहाँ पर क्या आ गया, शाइन आ गया। दैट मीन्स ये किस में चल रहे हैं, रिवर्स ऑर्डर में। अब देखो नंबर भी हमारे किस में चल रहे हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अब नेक्स्ट हमारा नंबर कौन सा हुआ, 66, तो यहाँ पर क्या आ गया, 66। अब नेक्स्ट वर्ड कौन सा हुआ, ओ से ओफर। नेक्स्ट 56, यहाँ पे क्या आ गया, नेक्स्ट फाइन आ गया। 32 ड्रेस, दैट मीन्स ये हमारा फाइनल स्टेप हो गया। तो ये लॉजिक हमें मिल गया, तो अब हम अपने क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। सो क्वेश्चन है हमारा, दैट इज व्हाट विल बी द फिफ्थ स्टेप ऑफ एन इनपुट हुज फर्स्ट स्टेप इज 85 जर्नी ट्रेन 36:54 डेली 28 मेंशन। अगर किसी इनपुट का फर्स्ट स्टेप हमें गिवन है कि ये है, तो हमें उस इनपुट का फिफ्थ स्टेप बताना है। ओके, सो प्रोसीड करें। तो यहाँ पर देखो ये हमारा इनपुट है, ये हमने नोट कर लिया। अब हमें इसको अरेंज करना है, तो सबसे पहले इसके इनिशियल लेटर्स लिख लो, तो ये हो गए जे टी डे एम। ओके, सो देखो अगर हम इन्हें अल्फाबेटिकली अरेंज करते हैं तो यहाँ से क्या आएगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू, उसके बाद तो टी आना है। ठीक है, तो ये हो गया डी जे एम टी। अब हमें इन्हें किस में लाना है, रिवर्स ऑर्डर में। ओके, सो प्रोसीड करते हैं। ये फर्स्ट स्टेप है, तो सबसे पहले तो नंबर आएगा 85 ऑलरेडी है। अब क्या आएगा, वर्ड। वर्ड कौन सा आएगा, टी से, दैट मींस कौन सा, ट्रेन। तो 85 ऑलरेडी हो चुका, अब यहाँ पर क्या आ गया अपने पास, ट्रेन आ गया। अब बाकी का जो हमारा इनपुट है वो हमारा एज इट इज होगा, तो यहाँ पर बाकी के इनपुट को हम एज इट इज नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने नोट कर लिया डेली 28 मेंशन। अब आगे हमें क्या करना है, नेक्स्ट क्या आएगा, नंबर। ट्रेन आ गया, अब हमारी नंबर की बारी है, तो ये हो गया 85 ट्रेन। नेक्स्ट नंबर कौन सा होना चाहिए, तो देखो इनमें नंबर कौन सा बड़ा है, 54, दैट मीन्स यहाँ पर क्या आ गया अपना, 54। बाकी का हमारा सेंटेंस जो है वो एज इट इज आएगा, तो प्रेफरेबली इसको कहाँ से लिखेंगे, हम इनपुट से नोट करेंगे और जो हमने मार्क कर चुके हैं उन्हें दोबारा नोट नहीं करेंगे। तो ये हो गया डेली 28 मेंशन। ओके, आगे प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 85 ट्रेन, 54। अब नेक्स्ट क्या होगा, एम से। एम से क्या है हमारे पास, यहाँ पे मेंशन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मेंशन। ठीक है, तो यहाँ पे मेंशन आ गया, बाकी का एज इट इज। तो ये हो गया जर्नी। आगे क्या आ जाएगा अपने पास, 36 डेली 28। ठीक है, अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो आगे क्या आएगा इनमें से, नंबर। तो नंबर क्या आएगा, कौन सा, 36। तो यहाँ पे अपना नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, 85 ट्रेन, 54 मेंशन। नंबर क्या आएगा हमारा, दैट इज 36। तो यहाँ पर क्या आ गया, 36, यहाँ पे 36 तो ऑलरेडी है, राइट। तो यानी कि अब हमारा वर्ड आएगा, तो वर्ड कौन सा आएगा, जर्नी, जे से जर्नी। तो दैट मीन्स यहाँ पर अब अपना क्या आ गया, जर्नी आ जाएगा। तो ये हो गया जर्नी।
उसके बाद बाकी का मैं बचा हुआ एज इट इज, तो ये हो गया डेली 28। तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया, डेली 28। अब नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, और ये हमारा क्या हुआ फाइनल स्टेप होगा। तो ट्रेन 54, मेंशन 36, जर्नी। तो यहाँ पर अब नेक्स्ट क्या आएगा, नंबर आएगा। तो नंबर क्या आ गया 28, और उसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे डेली। सो ये हमारा फाइनल स्टेप हो गया। तो देखो ये कितने स्टेप्स हुए, ये हमारा फर्स्ट स्टेप था, ये हमारा फर्स्ट स्टेप था, तो ये हुआ हमारा सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। ओके, सो सवाल क्या था हमारा, क्वेश्चन था दैट इज व्हाट विल बी द फिफ्थ स्टेप। तो हमें बताना है कि कौन सा हमारा फिफ्थ स्टेप है। तो ये हमारा फिफ्थ स्टेप है, ठीक है। सो इसको हम मैच करा लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा फिफ्थ स्टेप गिवन है, दैट इज 85 ट्रेन 54 मेंशन। तो यहाँ पर क्या गिवन है, 85 ट्रेन 54 मेंशन, यहाँ तक तो सही चल रहा है। आगे क्या गिवन है, 36 जर्नी। तो यहाँ पर 36 जर्नी, ये हमारा ऑप्शन सी में ही अवेलेबल है, डेली 28। तो यहाँ पर आगे क्या गिवन है, दैट इज डेली 28। दैट मीन्स ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ, दैट इज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दिस इज आवर फिफ्थ स्टेप। ओके, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।